देखिए, अभी हिमाचल के रुझान आए हैं, रुझानों में जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उसके लिहाज से हम 40 सीटों पे आगे हैं और बीजेपी 25 सीटों पे है, तो हमारे लिए एक अच्छी सुखद बात है। हिमाचल देवभूमि है, भगवान की कृपा से हमें जो है वहाँ शासन करने का मौका मिलने जा रहा है, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। और जो कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और भी हिमाचल की जनता विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जो वीरभद्र सिंह जी ने लगातार 6 टर्म में भंचाली को विकास किया था उसको भी अनवरत रूप से हम जारी रखेंगे। और वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी जो भाजपा की सरकार से, उन सब चीज़ों को हम सुधार करेंगे। और इस चुनाव में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, मैं कहना चाहूँगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने इसमें वक्त दिया और उन्होंने कांग्रेस के जो वहाँ चुनाव प्रचार की कमान थी उसको संभाल के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार किया, उसका बहुत असर गया। हम सोनिया जी का बराबर हर निर्णय में जो सहयोग रहा, जो उन्होंने एक तरह से फ्रीडम दी, उसकी हम जितनी भी सराहना करें वो कम है। और उनकी अध्यक्षता में ही कैंडिडेट फाइनलाइज किए गए थे और उसके बाद वो हटी थी। और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, भले वहाँ ना आए हों लेकिन उसका असर जो है हिमाचल की जनता पे भी बहुत था। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे नए अध्यक्ष आए, वहाँ प्रचार भी करने गए और खड़गे जी ने भी जिस तरह से हमें पूरी तरह से निर्णय की आज़ादी दी और जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया, स्वयं कैंपेन किया, खड़गे जी के हम विशेष रूप से आभारी हैं। केसी वेणुगोपाल जी, शुरू से जो उनसे कहा उन्होंने हर बात मानी, हर तरह से सहयोग किया। और इन सबसे ऊपर जो हिमाचल कांग्रेस की हिमाचल कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करूँगा। और किसी भी तरह से और हमारे दो जो हमारे ऑब्जर्वर थे 3, जिसमें से भूपेश बघेल जी हमारे ऑब्जर्वर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत भारी सहयोग किया, जो 10 गारंटी बनाने में उनका बड़ा सहयोग रहा और चुनाव प्रचार भी उन्होंने किया। और इसके बाद जो है सचिन पायलट जी ने भी जबरदस्त वहाँ पे कैंपेन किया, अशोक गहलोत जी ने भी वहाँ पे कैंपेन किया, हुडा जी ने वहाँ पे कैंपेन किया, हमारे आज के ऑब्जर्वर हुडा जी भी हैं, प्रताप सिंह बाजवा जी भी हमारे ऑब्जर्वर वहाँ पे, उसके अलावा AICC के सारे सेक्रेटरी और पदाधिकारी, उन लोगों ने जो सहयोग दिया उस सहयोग के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारी ये जीत अगर पूरी तरह से हो जाती है तो हम जल्दी वहाँ कांग्रेस की सरकार का गठन करेंगे। अभी हम जा रहे हैं वहाँ और अपने विधायकों की बात करेंगे, विधायकों से सबसे बात करके विचार विमर्श करके और हाईकमान के ऊपर सारा फैसला छोड़ा जाएगा। देखिए, अगर जो अभी जो देखिए ऑपरेशन लोटस का कोई डर नहीं है, क्योंकि जो है अगर ये आंकड़ा रहता है 40 और 25 का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें जो है ऑपरेशन लोटस का कोई खतरा। वो लोग भी इस बात को समझते हैं और हम किसी के खिलाफ आज कुछ नहीं बोलना चाहते, न भाजपा नेताओं के खिलाफ न किसी के खिलाफ। मेरा ये मानना है कि देवभूमि में हमें ये भगवान ने मैंडेट दिया है, हम उसमें अपना कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको कहा विचार विधायकों से विचार विमर्श होने के बाद पार्टी हाईकमान तय करेगी। हम नहीं, पूर्ण रूप से जो है श्रेय हम देंगे प्रियंका जी को, निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की वहाँ। अभी जो योजना बनाई है वो हमने, चूंकि चंडीगढ़ इसलिए है क्योंकि वहाँ चंडीगढ़ हिमाचल फैला हुआ है, शिमला जिले के लोग भी चंडीगढ़ आसानी से आ जाते हैं और कांगड़ा के लोग भी, हमीरपुर चंबा, सब लोगों के लिए चंडीगढ़ एक सहूलियत पड़ती है, इसलिए अभी चंडीगढ़ हमने बुलाने की बात कही है। शाम तक ये फैसला लेंगे कि उनको चंडीगढ़ बुलाएं या शिमला बुलाएं। अभी हम जा रहे हैं, हम और भूपेश बघेल जी और हुडा जी वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। सीएम का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या कोई सांसद भी मुख्यमंत्री बन सकते? देखिए, सीएम का जो भी क्राइटेरिया जो कुछ भी है सब पार्टी हाईकमान तय करेगी।